तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं आज कैलकुलेशंस के ऊपर। तो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो बात कर ही चुके थे कि हम कैसे मैथमेटिक को कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस जोड़ घटाओ जुड़ा। ये हमने आपको शुरुआती क्लास में समझा दिया था, इसमें समझाने के लिए कुछ खास है नहीं कि हम कैसे इसको यूज करते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। जैसे कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, मुझे ये पता करना है कि इसमें से ग्रेटर देन 50 कौन कौन से है। मुझे पता करना है कि इसमें से ग्रेटर देन 50 कौन कौन से है, मुझे इसके बारे में पता करना है। तो इसके लिए मुझे जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके ग्रेटर देन 50 टाइप करना है। क्या टाइप करना है? ग्रेटर देन 50 जस्ट सेंड करना है, ग्रेटर देन 50। जैसे ग्रेटर देन 50 टाइप करके एंटर मारेंगे तो रिजल्ट आएगा ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। अगर रिजल्ट फुलफिल हुआ, मतलब कि ग्रेटर देन 50 है, मतलब कि कंडीशन फुलफिल है, तो वो आएगा रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जनरली तो लोग इसको इफ फॉर्मूला के जरिए करता है, इफ के जरिए करता है, जैसे इक्वल हमने लगाया इफ। लेकिन इफ का काम लॉजिक को चेक करना नहीं है, इफ का काम है कि ट्रू एंड फॉल्स को अपना खुद का रिजल्ट देना। अपना खुद का देना, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला कि इफ अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे ओके शो करे, अदरवाइज पेंडिंग शो करे। तो हमने क्या लगाया कि इफ बी टू अगर ट्रू है तो ओके शो करो, अदरवाइज पेंडिंग शो करो। तो ये पावर इसका, सॉरी इफ का फॉर्मूला है, इफ का फॉर्मूला ट्रू एंड फॉल्स को आपके दिए गए रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। ओके लेकिन हम डायरेक्ट जो है यहाँ ऐसे ही लगाते हैं, हम तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं कि इफ दैट इज ग्रेटर देन 50 तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग। हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से ही लिखते हैं। बट होता क्या है कि अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये जो कुछ लोग समझते हैं कि जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, दिस इज पार्ट ऑफ द इफ। ये इफ का पार्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल अलग अलग करेंगे तो हमें दो सेल पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम एक सेल में कंबाइन कर देते हैं। एग्जाम्पल बताने का यही मेरा उद्देश्य है कि आप समझे कि जो लॉजिकल ऑपरेटर मैंने लगाया है, ये लॉजिकल ऑपरेटर इफ का पार्ट नहीं है, लॉजिकल ऑपरेटर इफ का पार्ट नहीं है, तो इंडिविजुअल है, इसको हम खुद लगा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको खुद लगा सकते हैं, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब कोई फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है? कोई भी फॉर्मूला आप लगाते हो उसका तरीका है। सबसे पहले आप इक्वल में क्या देंगे? इक्वल। इक्वल देने के बाद फिर यहाँ पे आप अपना जो भी आपका कंडीशन हो दे, जैसे कि मैंने इक्वल वी लुकअप लगाना है, इफ लगाना है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ना वो नीचे एक्सप्रेशन में आ जाएगा। आप अपने एरो की से ऊपर नीचे इस तरह से आप जाइए, ऊपर नीचे इस तरह से जाइए, और फिर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के लिए आप जस्ट टैब प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ठीक है, और इसके अंदर जो इनपुट आता है, ये इनपुट जो है इसको साइंटेक्स कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके नीचे साइंटेक्स आता है, और साइंटेक्स के अंदर जो इनपुट्स है वो इस तरह से कॉमा से सेपरेट होते हैं, मतलब कि इसके अंदर तीन इनपुट है और इनपुट के भी टाइप होते हैं। जैसे कि लॉजिकल टेस्ट देख सकते हैं, नॉर्मल लिखा है, इसका मतलब है कि ए जो है आपका रिक्वायर्ड, मतलब कि इसके बगैर आप बाहर नहीं निकल सकते, इसको तो डालना ही पड़ेगा, इसके बगैर आप बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इसमें आप देखेंगे वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स है। तो वैल्यू ट्रू मतलब हुआ
ट्रू होने पे क्या शो हो, आप देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसका मतलब ए ऑप्शनल, इसको डालने की जरूरत नहीं है, डालने में इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं तो डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप यहाँ देख सकते हैं। तो हर फॉर्मूला में सेम होता है, वी लुकअप भी लगाइए उसमें भी आप देखेंगे कि यही होता है। फिर आता है यहाँ पे फॉर्मूला मर्ज, दो फॉर्मूले को मर्ज कैसे करें। जी हाँ, फॉर्मूले को मर्ज करना हम सिखाएंगे, जैसे कि मैंने आपको मैथमेटिकल क्लासेस में एक कैलकुलेशन समझाया था कि हम इस तरह से प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, सेम इसी तरह से आप जो है कई सारे फॉर्मूले को मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए मर्ज के कुछ नियम आपको फॉर्मूले बताते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं कि बी सी ई एफ जी इस तरह से कुछ करेक्टर लिखा हुआ है, मुझे काउंट करना है कि इसके अंदर बी कितना बार, मुझे क्या करना है, मुझे काउंट करना है कि इसके अंदर बी कितना बार, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसके लिए कुछ टुकड़े टुकड़े करके फॉर्मूला बना सकते हैं। हमारे पास एक लेन का फॉर्मूला होता है, लेन लेन फॉर्मूला किसी भी सेल के अंदर कितना लेटर लिखा हुआ है ना वो शो करता है, जैसे इसने शो किया लेन। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला किसी भी सेल के अंदर आपको किसी कैरेक्टर को किसी अनदर कैरेक्टर से रिप्लेस करता है, जैसे ए थ्री में बी को ब्लैंक से रिप्लेस कर दे, क्या करते हैं ब्लैंक से रिप्लेस कर। अब एंटर करेंगे तो सारे बैंक ब्लैंक जो है वो हो जाएंगे डिलीट, सारे बैंक क्या ब्लैंक क्या हो गए वो हो गए डिलीट। फिर वापस यहाँ पे हम लेन का फॉर्मूला, किस लगाएंगे फॉर्मूला लेन, लेन फॉर्मूले से हम क्या करेंगे इसकी लेंथ निकालेंगे, आप देख पा रहे हैं लेंथ, तो इसने बताया कि जब बी नहीं था तो 11 था, जब बी था तो 8 है, बी जब बी था तो 11 था, बी जब नहीं है तो 8 है, तो सिंपली हम यहाँ पे 11 माइनस 8 कर देंगे, रिजल्ट आ गया 3। प्रॉब्लम है कि इसको मैंने कई सारे सेल के टुकड़ों में बनाया, वे सारे फॉर्मूले को मुझे एक सेल में चाहिए, कहाँ चाहिए एक सेल, कैसे करें तो उसको मर्ज करेंगे, जैसे ए फॉर्मूला लेन इसके साथ लेंगे, ए इस सेल ए इसके साथ लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे लेन फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, यहां जाएंगे जहां पे B4 है उसके जगह पे हम B4 का फॉर्मूला पेस्ट करेंगे, और इसको डिलीट करने से मेरा रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। फिर मैं इस सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले को लेके चला तो कॉपी किया, और हम यहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे है C4 यहाँ डाल दिया, इसको डिलीट किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको ला देंगे इस तरह से, हम फॉर्मूले को कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हमारा लिंक हो जाएगा। अब इसको यहां से उठा के जहां मर्जी वहां रख लीजिए, तो हो सकता है कि आप इसको नहीं समझ पाए होंगे कि क्यों हमने कॉपी पेस्ट क्यों किया, तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि हम कॉपी पेस्ट क्यों है। तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है, मुझे MRP निकालनी है, प्रोडक्ट का कॉस्ट है मुझे MRP निकालनी है, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट 50 है, इसकी MRP क्या हो। अगर हम MRP को मैनुअल निकालते हैं तो क्या होगा, MRP को हम मैनुअल निकालने जाते हैं तो क्या होगा,
मुझे यहाँ पे पहले मुझे 50 का 5% निकालना होगा। जो मैन्युफैक्चरर है वो 5% का प्रॉफिट लेता है और अपने लागत पे जोड़ देता है। फिर हमारा रिटेलर क्या करता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर अपने खरीद पे 10% का प्रॉफिट जोड़ता है और दे देता है हमारा रिटेलर। फिर देन रिटेलर क्या करती है कि अपने खरीद का 15% का प्रॉफिट जोड़, रिटेलर को नहीं सर होलसेलर को दे देता है। होलसेलर अपने खरीद का 15% जोड़ता है और रिटेलर को दे देता है। देन रिटेलर क्या करता है कि अपने खरीद का 20% ऐड करता है और मैन्युफैक्चर इसको रिटेलर को देता है। तो फाइनल प्राइस ये हुआ 19। अब सारे को यहाँ मुझे एक सेल में मर्ज करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 20 कितना है एड C19। अब C19 के ऊपर गए, C19 का फॉर्मूला कॉपी किए और जहां C19 है उसके जगह पे हम पेस्ट कर दें। तो C19 के जगह पे C19 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया, मतलब C19 को डिलीट कर सकते हैं। अब ये क्या है C10। C10 को यहां से हम कॉपी करेंगे, जहां पे C10 है वहां पे C10 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। यहाँ भी हमारा C10 है तो C10 के जगह पे C10 का फॉर्मूला हमने पेश कर दिया। अब मैं C10 को डिलीट कर सकता हूँ। अब क्या है D10, D9 सॉरी, D9 को उठाया कॉपी किया, इक्वल कॉपी नहीं कीजिएगा और एस्केप मार के बाहर आइए, क्लिक मत कीजिएगा। और यहाँ जहां पे हमारे पास D9 है ना उसके जगह D9 का फॉर्मूला, लेकिन हमेशा ब्रैकेट, हम इसको डिलीट कर सकता हूँ। सेम हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए और इसको कॉपी कर लिया, एस्केप मारा और यहाँ पे चले गए जहां पे D10 है वहां पे D10 का फॉर्मूला हम पेस्ट करेंगे। और यहाँ भी D10 है, यहाँ भी D10 का फॉर्मूला इन द ब्रैकेट हम पेस्ट करेंगे। अब इस D10 को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं E9 को, तो E9 को कॉपी किए, जहां पे E9 है वहां पे E9 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देंगे। E9 की जगह पे E9 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। अब मैं E9 को कर सकता हूँ डिलीट। अब आते हैं E10। अब देख रहे धीरे धीरे फॉर्मूला बढ़ता जा रहा है। कॉपी किया E10 को, जहां पे E10 है उसके जगह पे ब्रैकेट में E10 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, इसके एंटर मारा, यहाँ भी E10 है इसके जगह भी सेम E10 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देंगे। अब इसको डिलीट कीजिए। अब यहाँ देखिए ये रहा हमारा E10, E9 सॉरी F9, F9 की फॉर्मूला कॉपी की, इक्वल कॉपी कभी मत कीजिएगा। देन यहाँ F9 के जगह पे F9 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया, एंटर मार। अब इसको कॉपी करके मत ले जाए, इसको यहां से कट करके यहाँ रखेंगे। एंड ओ क्या करना है, कट करके रखना। जैसे कट करके रखा आप देखते हैं, आप सामने देख पा रहे हैं कि आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, समझे? तो कृष्णा जी, अनिल जी, समझ में आया आपको ये चीज? हाँ जी सर, अनिल जी आपको समझ में आया? जी सर, अनिल जी आपके तरफ से आउटपुट नहीं आ रहा है सर, एक कंप्लेन मैं बहुत दिनों से कर रहा हूं कि आप कुछ बना के भेजते नहीं है, पता नहीं चलता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, क्या समझ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं आ रहा है आपकी तरफ से। अनिल आपको लास्ट टाइम भी प्रोजेक्ट दिया था वो प्रोजेक्ट भी नहीं आया, लास्ट टाइम के लास्ट टाइम भी प्रोजेक्ट दिया तो वो भी नहीं आया, आपका टेस्ट दिया था टेस्ट भी आपका नहीं आया, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए सर। ठीक है सर, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन बीच करके आपकी क्लास है तो कम से कम एक दिन क्लास लेते हैं, तो उसके अगले दिन का जो क्लास का टाइमिंग है उस पे तो आप प्रैक्टिस कर लें, उसको आप कहीं यूज ना करें। और मैं आपकी डेली क्लास ले लगूं तो आप डेली क्लास लेंगे ना सर? आप तो एक दिन छोड़ने का रीजन यही होता है कि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो जो क्लास की टाइमिंग 9 बजे की है उसको और जगह पे यूटिलाइज ना करें, सिर्फ क्लास के लिए रिजर्व रखें, ठीक है?
ठीक है सर, और बना के दें सर, प्लीज रिक्वेस्ट है सर। जब तक आप हम सही से समझेंगे नहीं, जब तक क्या आपको पढ़ाए। तो आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ,